अब कांग्रेस चाहे हाथ जोड़े चाहे पैर जोड़े, कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है। लोग कांग्रेस के चरित्र को जान चुके हैं कि इनके नेता कहते क्या हैं और करते क्या हैं। हमारी सरकार इस पर चलते हुए बेटियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अपने दो दिवसीय दौरे पर काशीपुर पहुंचे, जहां मुरादाबाद रोड स्थित मंडी अतिथि गृह में भाजपा के स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को चरितार्थ करते हुए प्रदेश सरकार ने 50,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 5,00,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार देने की दिशा में काम किया है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 राज्य की 1,25,000 बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मातृशक्ति राज्य को संवारने का काम भी करेगी। इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गद्दी संभालते ही कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी सरकार इस पर चलते हुए बेटियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज हमारे प्रदेश के अंदर 50,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं, जिसमें 5,00,000 से अधिक बहनें हमसे जुड़ी हैं। हमने संकल्प लिया है कि जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम 1,25,000 बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। और मुझे याद है एक बार मैं कार्यक्रम में पिछली बार यहाँ पर आया था, और जब मैंने एक बहन से पूछा कि आपको क्या अंतर नज़र आया, तो उस बहन ने कहा पहले अगर हमें पैसे की आवश्यकता होती थी हम अपने पति की ओर देखते थे, अपने भाई की ओर देखते थे, अपने पिता की ओर देखते थे। वहीं जब उनसे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल वर्ष 2024 तक बढ़ा दिया गया है, जिसका लाभ आने वाले सभी चुनाव में पार्टी को मिलेगा और पार्टी सभी चुनाव भारी बहुमत से जीतेगी। नड्डा जी को फिर एक बार फिर 2024 तक पार्टी का नेतृत्व मिला है। हम उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जितने चुनाव आने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की जीतेगी। कि अगर आप देखें जो हमारा स्ट्राइक रेट रहा है बहुत अच्छा रहा है, और उसी का परिणाम है कि नड्डा जी को फिर एक बार कमान मिली है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस प्रभारी मंत्री होने के नाते यहाँ पर जितने भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस अब कांग्रेस चाहे हाथ जोड़े चाहे पैर जोड़े, कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है। लोग कांग्रेस के चरित्र को जान चुके हैं कि इनके नेता कहते क्या हैं और करते क्या हैं। वही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा या पैर जोड़ो यात्रा कुछ भी कर ले, लेकिन कांग्रेस का कुछ भी होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस के चरित्र को जान चुके हैं कि इनके नेता कुछ कहते हैं और करते कुछ और ही हैं। साथ ही कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस की तरफ से कोई चुनौती नहीं मिलने वाली है। पंजाब केसरी टीवी के लिए काशीपुर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।